मंदसौर गांधी चौराहा पर जिला कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति के खिलाफ किया सत्याग्रह, किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एवं गांधीवादी नेत्री जेपी अग्रवाल के निर्देश अनुसार आज रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन के नेतृत्व में एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पा भारती सहित बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेसजनों ने देश में विपक्ष की शीर्ष आवाज राहुल जी गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन ने कहा कि राहुल जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साजिश रची है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है, किंतु आज देश में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए विपक्ष के नेताओं के साथ बदलने की भावना से कार्य किया जा रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए 1:23 पर रविवार को बताया गया है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर गांधी चौराहे पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह करने का मुख्य कारण ये है कि आप देखो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह विपक्ष के आवाज़ दबा रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता जो डिस्क्वालीफाइड की है, ये क्या ऐसा कारण हो गया था कि उनको संसद के सदस्यता से डिस्क्वालीफाइड करना पड़ा। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने सारे कांग्रेस के नेताओं ने सत्याग्रह किया है। थैंक यू।